नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। पर्यावरण पोस्ट से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, प्रदीप भैया जी महाराज। इनको लाखों लोग सुनते हैं, हनुमान कथा राम कथा सुनने के लिए हजारों लोग इनकी भी कथा में एकत्रित होते हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पर्यावरण का मुद्दा कथाओं में भी तो उठता ही होगा, क्योंकि हमारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी पर्यावरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं दब जाता है। भैया जी, आप क्या कहते हैं इस पर? स्वाभाविक रूप से गुफा से लेकर ग्लोबलाइजेशन तक की मानव जीवन की यात्रा में पर्यावरण मानव का एक सहज स्वाभाविक पथगामी रहा है, सहगामी रहा है। जब से मनुष्य आया है, सतयुग से लेकर आज कलयुग तक, पर्यावरण, जल, जमीन, जंगल, जानवर, इनके साथ इसका अभिन्न रिश्ता रहा है। बाबा तुलसी को उद्धृत करें तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा निर्माण ही इन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। आकाश तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, और मनुष्य इन सब से न कभी अलग था, न अलग है, न अलग हो सकता है। लेकिन बात यह थी कि लोग जागरूकता नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा आज के समय में लोगों ने कोरोना महामारी झेला। ऐसा कहा जा रहा है कि अगली बार जब कोई त्रासदी होगी इस धरती पर तो पर्यावरण से रिलेटेड ही होगी, मतलब मानव निर्मित होगी, जो कि इंसान जो पृथ्वी के साथ कर रहा है उनकी देखभाल नहीं कर रहा। जल काटे, जल को जो पानी हमारा नीचे जाता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, जो बर्फ़ के ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, इंसान ही है ये सब कर रहा है। तो इंसान आखिरकार पर्यावरण को लेकर चिंतित क्यों नहीं होता, उसके ऊपर सोचता क्यों नहीं है? हमारे जब चुनाव भी हमारे होते हैं उनमें भी ये मुद्दा कहीं नहीं बन पाता, जबकि सबसे बड़ी जो मुसीबत आने वाली है वो इसी से रिलेटेड हो सकती है। आम जन जब भी कहीं पर्वतों को देखता है तो उसे वह दृश्य अच्छा लगता है। दूर तक फैला हुआ समुद्र, उठती और गिरती हुई ताल तरंगे, जब वो देखता है तो उसे अच्छा लगता है। बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी से गिरता हुआ कलकल छलछल करता हुआ झरना, जब वो देखता है तो उसे अच्छा लगता है। ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो मनुष्य के मन को रुचता है, और वहां जाने के बाद, उसे देखने के बाद उसको शांति मिलती है। और मनुष्यों के द्वारा बनी हुई कोई भी चीज ये मनुष्य के मन में लोभ और ईर्ष्या पैदा करती है। आम जन के बीच में संस्कार देने का काम जिन माध्यमों से होता था, कुछ कारणों से वो माध्यम आज संकुचित होते चले जा रहे हैं। संस्कार मिलते थे, सूचनाएं मिलती थी परिवार से, बहुत छोटी छोटी बातें, जल का अपव्यय न करें, नमक को नीचे न गिराएं, चींटियों को दाना दें, पक्षी को अन्न दें, सांप को भी दूध पिलाने की परंपरा वाला कोई देश, पर्व मनाने वाला कोई देश रहा है तो भारतीय संस्कृति का ही यह देश भारत रहा है। स्वाभाविक रूप से हमने चंदा को मामा माना, सूर्य की आराधना का पर्व अभी छठ पर्व ये गया है, और वनवासी आदिवासी क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो प्रकृति से जुड़े हुए ही उनके सारे पर्व हैं। वो अपने जाहिर थान और माझी थान में अगर पूजा करते हैं तो वहां भी साल के वृक्ष की लकड़ी की ही वो पूजा करते हैं। बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ तो वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ। लेकिन इन सारी बातों के बारे में आज भी जब कोई विवाह करने जाते हैं गांव में तो उनसे तालाब की पूजा करवाई जाती है, कुएं की पूजा करवाई जाती है, आंवला नवमी आंवले की पूजा की जाती है। स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के साथ हमारा एक अटूट संबंध रहा है, हमारे त्योहारों का जुड़ाव रहा है। अब छठ पर्व की कल्पना कौन बिना ईख के, बिना हल्दी के, गांठ के कोई कर सकता है? होलिका दहन के समय में, होली मनाते समय हम गेहूं की बाल वहां होलिका दहन में उसको जाकर, स्वाभाविक रूप से
जहां से हमें इन चीजों की जानकारियां मिलती थी वो स्रोत सूखते चले गए। आज परिवार के बुजुर्ग जो एकल परिवार में चले गए बच्चों को फिर से परिवार से जोड़ पाने में थोड़े विफल हो गए हैं। अब चीजें अधिकांशतः ये ऑनलाइन होने लगी हैं। हमने संयुक्त परिवारों में, गांवों में, गलियों में, मंदिरों में पर्यावरण संरक्षण की बातें जानी थी। आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था तो हमें गिलोय याद आ रहा था, तो हमें तुलसी याद आ रही थी, तो हमें अपने हाथ का धोना याद आ रहा था। और पूरी दुनिया ने माना कि जो हिंदुत्व है, हिंदू जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, जीवनचर्या है। हम कैसे जिएं, हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कैसे खाएं, क्या ना खाएं, कहां जाएं, कहां ना जाएं, क्या पिएं, क्या ना पिएं, यह बताने का काम जिन माध्यमों से होता था, वो परिवार हो या धर्माचार्य हो, कहीं ना कहीं वो परंपरा थोड़ी सी ढीली पड़ी है, वो रस्सी थोड़ी सी उसकी कसक ढीली पड़ी है। और इसके कारण मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं अभी खड़ी हो रही। जी, मैं आपसे इसी से जुड़ा है, आपने अच्छी बात कही कि आज परिवार एकजुट नहीं है, लोग अलग अलग हैं, इसी वजह से जो हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यताएं थी, वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या निकल के आ रही है? भारत में जिनके कारण भारत बचा रहा वो मूल दो बातें थी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी बचा है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है। और वो बातें दो हैं मेरी दृष्टि में, पहला परिवार की व्यवस्था और दूसरा बचत की प्रवृत्ति। एक आम भारतीय दो पैसे बचाना चाहता है। गांव में मैंने देखा है अपने बचपन में सब्जी बेचने वाली माताओं के भी पैरों में चांदी के कड़े होते थे, गले में चांदी की हंसुली होती थी और माथे के जूड़े में चांदी का कुछ बना हुआ आभूषण वो रहता था, मैंने देखा है, चांदी का बाजूबंद। धान के खेत में एड़ी तक की कीचड़ में सने हुए पांव, लेकिन पांव की पाजे हुआ करती थी। तो ये गांव में दो पैसे बचाने की, शहरों में दो पैसे आम भारतीय वो दो पैसे बचाता था, किंतु बाजारवाद ने उसकी बचत की प्रवृत्ति पर प्रहार किया है और उसे लगता है कि मैं आज एक बड़ा वाहन ले लूं, आगे 6 वर्षों तक धीरे धीरे इसका कर्ज मैं चुकाता रहूंगा, आज मैं एक फ्रिज ले लूं, एक वॉशिंग मशीन ले लूं, ये जो कुछ भी है उपभोग की चीजें। एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा। आवश्यकता शरीर की होती है, इच्छा मन की होती है। आवश्यकता की पूर्ति के बाद तन को शांति मिलती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति होने के बाद मन और की कामना करता है। आवश्यक है कि इस जाड़े के मौसम में मैं और आप कुछ गर्म कपड़े पहने, ये आवश्यकता है, लेकिन इच्छा होती है कि मैं जारा का ही पहनूं, एलेन सोनी का ही पहनूं, तो यह इच्छा आवश्यकता में ये आपको तबाही की ओर ले जाएगी। आवश्यकता है कि हम भोजन करें, लेकिन इच्छा है कि 5 स्टार में ही करें, ली मेरिडियन में ही करें, तो ये इच्छा आपको कुछ गलत करने की राह पर ले जाने के लिए मजबूर करेगी। वास्तव में बाजारवाद ने हमारी इस बचत की प्रवृत्ति पर प्रहार किया और ज्यादा धन कमाएं इसकी अंधी दौड़ में लोग गांव से नगर की ओर, नगर से शहर की ओर, शहर से महानगर की ओर अंधी दौड़ में दुनिया चली गई। परिणाम यह हुआ कि संयुक्त परिवार वो टूट गए और एकल परिवार पति पत्नी और कुछ वर्षों के बाद एक बच्चा। अब एक बच्चा होने के कारण
उसको चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, और कल उसकी जब शादी होगी तो बहू जब आएगी तो उस बहू को न ननद मिलेगी न उसको देवर मिलेगा। तो ये जो रिश्ते थे, ये जो परिवार की व्यवस्था थी, वो टूटी है बाजारवाद के कारण। और अगर हम उसको थोड़ा समझना चाहें तो टीवी सीरियलों के माध्यम से उपभोक्तावाद ने, बाजारवाद ने घरों में एक ड्राइंग रूम है उसमें पूरा परिवार बैठ करके रामायण सीरियल देख रहा है, तो एक ही टीवी में 24 लोग बैठ करके देख रहे हैं। अगर वो परिवार टूट जाएगा, चार भाई हैं, चारों भाई अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर चार टीवियां उनको चाहिए। तो टीवी पर सीरियल देने वाली जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो ऐसे सीरियल बनाती हैं जिसको देखने के बाद परिवार टूटे। हम लोग और बुनियाद जैसे सीरियल अब नहीं आते, अब ऐसे सीरियल आते हैं जिसमें कि अपने पति के अलावा उनके दूसरे पुरुषों से भी अपने संबंध होते हैं। और ये सीरियल उस समय दिखलाए जाते हैं जब परिवार में पुरुष वो अपनी दुकान पर, अपनी ऑफिस में काम करने चले जाए, महिलाएं घर पर हैं, ऐसे वो विज्ञापन आ रहे हैं। उन विज्ञापनों के माध्यम से एक सभ्य भारतीय परिवार, 10 लोग एक घर में रह रहे हैं और सब पर कैमरे लगे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं और फिर उस पर से उसको काट कर छांट कर और वो प्रसारित किया जाता है और लोग उनकी गाली गलौज सुनते हैं, ये सीरियल चल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यह देश जो ऋषि मुनियों का देश रहा है, यह देश जो यज्ञ संस्कृति का देश रहा है, अरे ये वो देश रहा है जहां 29 साल की उम्र में ही एक नौजवान केरल से निकलता है और इस देश में 4 धामों की मठों की स्थापना करता है। ये देश वो देश रहा है जहां से कोई नरेंद्र विश्व में जाकर के भारत, भारतीयता और भारतीय होने के गर्व का उद्घोष करता है सार्वजनिक रूप से, सार्वभौमिक सार्वदेशिक सत्ता के समक्ष, ये वो देश रहा है। मुझे लगता है इस बाजारवाद ने परिवार को और बचत की प्रवृत्ति को जो आघात पहुंचाया है उसी का दुष्परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। एक बात ये भी है कि आज कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगता है कि इन सब का कारण कहीं पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं उसको लोग अपना रहे हैं। एक समय ऐसा था जबकि आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, विवेकानंद जी, वो गए थे यूएसए में, उन्होंने अपना जो भाषण दिया उसको पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन आज वहाँ के कल्चर को लोग कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अपना रहे, जिसकी वजह से भी ये जो परिवारवाद आ रहा है कि लोग एक दूसरे से अलग रहने में ज़्यादा खुश रहें और अपने बच्चों को वो माहौल नहीं दे पाते परिवार वाला, क्योंकि जब परिवार के साथ रह ही नहीं रहे तो क्या पश्चिमी जो पश्चिमी सभ्यताएं भी हैं वो भी जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए? अपना गम ले के कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। पश्चिम क्या कर रहा है और वाम क्या कर रहा है और दक्षिण क्या कर रहा है और पश्चिम क्या कर रहा है मुझे इतना मालूम नहीं। हम, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता, हमारा जीवन जीने का दृष्टिकोण, पर्यावरण के साथ के हमारे संबंध, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज, हम उनको देखें। समाज में सुख शांति के लिए इस देश के किसी दधीची ने अपनी हड्डी तक का दान कर दिया है, हम उनके वंशज हैं। एक कोई जटायु दशरथ की पुत्रवधु का जब अपहरण हो रहा था तो पक्षी, उसने स्वयं के प्राणों की आहुतियां दी है, हम वो देश हैं। सवाल पश्चिम का हमारे ऊपर प्रभाव का नहीं है, क्या हमारा, हमारी भारतीयता, भारतीय जीवन दर्शन इतना टुच्चा है कि कोई मोबाइल का ऐप और यूट्यूब का चैनल हमारी परंपरा, अरे आज तो कम से कम कोई गले में किसी की हत्या करने के बाद उसकी उंगली काट करके माला पहन करके नहीं घूम रहा, वो दिन भी भारत ने देखा है। आज यज्ञ के कुंडों में कोई मांस पिंडों को नहीं फेंक रहा, भारत ने वो दिन भी देखा है। आज कोई अपनी बहन के गर्भ से निकलने वाले बालक की दीवार पर पटक कर हत्या नहीं कर रहा, भारत ने वो दिन भी देखा है। आज भारत बहुत अच्छी स्थिति में है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता यह देश को एक नई दशा और नई दिशा की ओर ले जाने का सूत्रपात कर चुकी है। आश्वस्त रहिए,
निराश मत होइए, हताश मत होइए, उदास मत होइए, और अपने भारतीय होने के नाते आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। अंधेरे की आलोचना करने से अच्छा है एक दीपक जलाइए। आपके इस चैनल को और आपको बहुत बहुत साधुवाद। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।